बीच में विदर्भ से, बोडोलैंड से, बुंदेलखंड से, गोरखालैंड से, त्रिपुरा से, त्रिपुरा लैंड से और कार्बी अंगलोंग क्षेत्र से हमारे साथी लोग आए हैं। तो सबसे पहले मैं मंच में हमारे जो साथी उन सभी का मैं आपको परिचय देना चाहता हूं। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्रीहरि आने जी हैं, ये विदर्भ के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं महाराष्ट्र के, और हमारे साथ बोडोलैंड से आपसू के प्रेसिडेंट प्रमोद बोडो जी हैं, ये बोडोलैंड से जुड़े हुए हैं, बोडोलैंड का संघर्ष में ये बहुत समय से लगे हुए हैं। बोडोलैंड से ही हमारे पूर्व सांसद एस के बसवतारी जी हैं, इनका भी बहुत लंबे समय से बोडोलैंड से ही नहीं परंतु एनएफएनएस के साथ भी उनका संलग्नता रहा है, और अभी हाल ही में त्रिपुरा का इलेक्शन जिस पार्टी ने जीता बीजेपी के साथ, आईपीएफटी इंडिजिनस पीपल्स फोरम ऑफ त्रिपुरा, उसके यूथ के जनरल सेक्रेटरी शुक्ला नवातिया भी यहां पर हैं। बोडोलैंड से एनडीएफपी के एनडीएफपी के प्रेसिडेंट श्री धीरेन बोडो जी हैं, और जॉइंट एक्शन कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट स्टेलिन एंगती जी भी हमारे साथ हैं, कार्बी आंगलोंग से हैं, कार्बी आंगलोंग जॉइंट एक्शन कमिटी के हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुनीश तावांग है, मैं गोरखालैंड का प्रतिनिधित्व करता हूं और एनएफएनएस का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। तो आज सुबह हमारा एक कार्यक्रम था, एक मार्च था और एक पब्लिक मीटिंग थी, उसके विषय में हमारे सेक्रेटरी प्रमोद बोडो जी थोड़ा सा आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे अध्यक्ष श्रीहरि आने जी हमारे उद्देश्य के बारे में और हमारे आने वाले कार्यक्रम के बारे में और एनएफएनएस के जो विचार है इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्रमोद बोडो जी, सबसे पहले मैं आप सबको स्वागत करता हूं और धन्यवाद मैं देता हूं एनएफएनएस की तरफ से कि आपने समय दिया है हमारे लिए। तो कल से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ दिल्ली में, फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्टिव एंड जॉइंट प्रोग्राम हमने शुरू किए। कल हंसराज कॉलेज में 3 बजे से हमारा कंसल्टेटिव सेमिनार था, तो इसमें आने वाले समय में एनएफएनएस कैसे क्या क्या कार्य आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम आगे करेंगे इसके बारे में चर्चा हुआ, और आज के डेट में ये बीजेपी जो एनडीए गवर्नमेंट है इस ये क्या सोच रही है, क्या कर रही है और पहले क्या बोला था, ये सारा बात हमने किए। और आज सुबह राजघाट से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक एक मोर्चा निकला और फॉर द फर्स्ट टाइम इस मोर्चे में बोडोलैंड से, विदर्भ से, त्रिपुरालैंड से, कार्बी से, गोरखा से सब मिलके फॉर द फर्स्ट टाइम एक रैली हुआ और एक सक्सेसफुल रैली हुआ। ये रैली के बाद ये थर्ड प्रोग्राम है, अभी थर्ड प्रोग्राम हमारा प्रेस मीट है, इसके बाद हम लोग फिर से एनएफएनएस के बहुत सारे प्रोग्राम हमने तैयार किए हैं। तो पहले प्रेस मीट को हमारा प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, नेशनल जो प्रेसिडेंट है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेसिडेंट अन्ने जी को बात आगे रखने के लिए। नमस्कार, आप सब यहाँ आए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको हम बतलाएं कि एनएफएनएस को अब अस्तित्व में इस स्वरूप में आके दूसरा साल चल रहा है। हमने अब तक देश के अलग अलग भागों में जहाँ देश के अलग अलग भागों में जहाँ स्टेटहुड मूवमेंट्स चालू है वहाँ हमने विजिट किया और उनके साथ हमने पार्टिसिपेट भी किया। हम आपके सामने इस प्रेस नोट के जरिए इसमें जो बोल्ड प्रिंट में लिखा है वो हमारा सेंट्रल इशू है, मैं थोड़ा सा वो आपको विस्तृत स्वरूप में बतलाऊंगा। ये फिलहाल की सरकार जो है, मैं मोदी जी की भाजपा सरकार के बारे में कह रहा हूँ,
इसमें विदर्भ के साथ तो साफ साफ नाइंसाफी की, इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र में स्पेसिफिक वादे किए गए थे कि इलेक्ट हो के आने में हमें आप मदद कीजिए तो फिर हम विदर्भ बनाने में आपको मदद करेंगे। आज महाराष्ट्र में चुन के आने के 4 साल बाद कोई भी एक साधारण कदम भी उठाया नहीं गया है विदर्भ राज्य को अलग राज्य बनाने के लिए। तकरीबन यही स्थिति दूसरे जगह में भी दिखती है। बोडोस के मदद से आसाम में चुनाव जीते गए, आसाम में उनकी सरकार आई। हाल में हुए गोरखालैंड की स्थिति भी वही थी कि जहां तक इस सरकार को सूटेबल था ममता जी को अपोज करने के लिए गोरखा मूवमेंट को सपोर्ट दिखाया गया, और जब मौका था कि गोरखा मूवमेंट को पार ले जाके गोरखालैंड बनाने का, तो इस सरकार ने राजकारण के कारण अपने सपोर्ट को वापस ले लिया। हमने हमारे त्रिपुरा के दोस्तों को चेतावनी दी है कि आपने भाजपा को सपोर्ट करके मेजॉरिटी में ला के त्रिपुरा में सरकार बनाई है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वही आपको रिपीट में मिलेगा कि आपको सरकार में शामिल कर लेंगे लेकिन राज बनाने का सवाल आएगा तो वो बनाएंगे नहीं। इसके बारे में जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे 2-3 चीजें साफ साफ दिखती है जो मैं आपको बताऊँ। पहली चीज तो ये है कि इस सरकार ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सिर्फ शब्द अपने सामने रखे हैं, सबका साथ सबका विकास। इस सरकार का विकास की जो कल्पना है और हमारे स्टेटहुड के बारे में विकास की जो कल्पना है ये भिन्न है। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार को लगता है कि अहमदाबाद से एक बुलेट ट्रेन बम्बई तक चलाए तो विकास हो जाएगा, या तो हमारे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि नागपुर में एक मेट्रो रेल बनावे तो विकास हो जाएगा। हमारा साफ साफ सवाल है कि हमारे 36,000 किसान भाई जो मारे गए हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनका प्रॉब्लम कैसे छूटता है बुलेट ट्रेन चलने से? और जवाब में यह कहा जाता है नहीं नहीं ये विकास के चिन्ह है, हम विकास इस तरीके का चाहते हैं। हमें इस सरकार के विकास का अर्थ समझ में नहीं आता। हमें जो विकास अभिप्रेत है वो विकास के बारे में ये बोलते भी नहीं है। ये पहली बड़ी खामी है। दूसरी खामी क्या है, जब मैं एनालाइज करता हूं तो मुझे एक बात साफ दिखती है कि हमारी स्टेटहुड मूवमेंट को ग्रांट न करने में इनको इलेक्टोरल फायदा मिलता है। स्टेटहुड मूवमेंट को यूज करना, हमें एक अंग्रेजी कहावत है, गधे के सामने कैरेट डैंगल करते जाओ वो गधा उसके पीछे पीछे चलते रहेगा, उस तरीके से हमें सिर्फ ये एक लॉलीपॉप दे देना कि इसे चाटते बैठो बेटे, कभी ना कभी आपको राज मिलने वाला है और हम देने वाले हैं। उस तरीके से उन्होंने विदर्भ को तो एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उसी तरीके से बोडोलैंड एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसी तरीके से गोरखालैंड एक्सप्लॉइट होते दिख रहा है, उसी तरीके से आपकी जो मूवमेंट है त्रिपुरा से त्रिपुरा लैंड बनाने की, उसमें भी यही दिक्कत आने वाली है। स्टेटहुड मूवमेंट्स आर यूज्ड फॉर इलेक्टोरल गेन्स, दे आर नॉट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्टेट्स। लास्ट चीज जो मेरे लिए शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमने इस सरकार से एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर जी से आज मुलाकात मांगी थी। 2 महीने से हम मांग रहे हैं, 2 महीने से उनको हमने खत भेजे हैं, खत का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। हमारे विदर्भ में हमने 10,000 लोगों के खून से दस्तखत ली थी विदर्भ राज के मांग की। बोडोस ने तो हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा करके दिखाया, 5 लाख लोगों का खून का दस्तखत का कागज हम दिल्ली ले आए हैं। हमें ये प्रधानमंत्री जी को देने थे ये कहते हुए कि इन लोगों के खून को कुछ तो मायने होता है, आपको इनका विचार करना जरूरी है, ये स्टेटहुड क्यों मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे थे कि आप गोरखालैंड दो या आप विदर्भ दो या आप बोडोलैंड दो, हम ये कह रहे थे कि आप इस पर इंसिस्ट क्यों नहीं करते कि राज बनाने के लिए पात्रता के निकष क्या होंगे, व्हाट विल बी द नॉर्म्स फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स।
आज हम अलग अलग जगह पे लड़ते हैं, अलग अलग जगह पे हम जानों की कुर्बानी तक देते हैं, और आप इसका इंडिविजुअल लेवल पर कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हुए मेजर बात टालते हो कि आर्टिकल 2, 3, 4 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है उसको अमल में लाने के लिए स्टेटहुड डिमांड्स का विचार करने के लिए कुछ नॉर्म्स डालेंगे या नहीं डालेंगे। Had this government listened to this and said yes, we will consider putting forward the norms, हमें एक तसल्ली होती कि हर आंदोलन को खून से भरा आंदोलन बनाना नहीं पड़ता है, या हर बार तेलंगाना के 1200 लोग मर गए तो आपके 1201 तो कम से कम मरना जरूरी है, फिर कंसिडर होगा। इस टाइप के जवाब हमने सुनने नहीं पड़ते। या तो हमारे होम मिनिस्टर ने परसों जवाब दिया, आपका आंदोलन तो दिखता ही नहीं, यानी आंदोलन दिखाने के लिए कुछ करो, और वो दिखावा जो है वो आज के तरीके का शांतिपूर्वक दिखावा कोई काम का नहीं। आपको दिल्ली के रास्ते में तोड़ फोड़ करके 4 बसें जलाओ तो फिर कोई फायदा होगा। ये जो सरकार के दिमाग में फिट आइडियाज है स्टेटहुड की, इसके बारे में आप धोरण स्पष्ट क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते कि हमने प्लेबिसाइट लेना है, 51% पॉपुलेशन यदि राज मांगती होगी तो हम उसको एक्स अमाउंट ऑफ वेटेज देते हैं, वो नहीं करते हैं। या तो आपकी डेवलपमेंट मेन स्टेट के डेवलपमेंट इशू में फिट नहीं होती होगी तो हम विचार करेंगे आपके राज का, होती होगी तो हम नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो निकष बनाए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेटहुड डिमांड्स कैन बी कंसिडर्ड, दिस गवर्नमेंट हैज बीन डिलिबरेटली नॉट डूइंग, एंड द रीजन इट डज नॉट डू दिस इज उनको इलेक्शन के लिए हमारी मदद और हमारे थ्रू आगे चलना ज्यादा पसंद है। खुद के बदौलत वो इलेक्शन जीतने से बेहतर समझते हैं कि लोकल एजिटेशन इशू स्टेटहुड का लेते हुए इलेक्शन जीता जा सकता है, और ये लोग सब नासमझ है, इनको तो कोई तरीका नहीं है, इनको तो कोई लीडरशिप है, और इनके लीडरशिप को कुछ ना कुछ पोस्ट दी जाए, कुछ ना कुछ बोर्ड दिया जाए, कुछ ना कुछ हिल काउंसिल दी जाए, तो इनकी बातें खत्म हो जाती है। इस तरीके से आज तक हमारी अवहेलना की गई है, जिसके खिलाफ ये हमने मीटिंग लिया। सॉल्यूशन क्या है, मैं तो 3 सेंटेंस में आपको बोलूं। आने वाले इलेक्शन में भले ही वो 2018 की हो या 2019 की हो, महाराष्ट्र में तो स्टेट लेजिस्लेचर और जनरल इलेक्शन आ रही है, दूसरे जगह में शायद सेंट्रल इलेक्शन रहे, कहीं कहीं स्टेट की भी हो सकती है। हमने जिस तरीके से बीजेपी को मदद करके चुनाव, पिछला चुनाव जिताया था, उसी तरीके से उनके खिलाफ खड़े रह के उनको इस चुनाव में हराएंगे। जहां जहां हमें लगता है हमारी उपलब्धि है, वहां वहां हम हमारे कैंडिडेट्स खड़े करेंगे और उनको सपोर्ट करके रूलिंग पार्टी को हम तकलीफ में लाना चाहते हैं। हम ये पूरी तरह समझते हैं कि देश में कांग्रेस जैसे 100 साल लंबी पार्टी है और बीजेपी जैसे 60 साल की हिस्ट्री ली हुई पार्टी है, इनके खिलाफ हमारी पार्टियां जो 1 साल और 1.5 साल का समय कवर करती है, ये न तो उनके फाइनेंशियल तुलना में उतरती है, न तो उनके लीडरशिप के तुलना में उतरती है, लेकिन वोट के तुलना में उनको हम अपाय तो जरूर कर सकते हैं, उनको हम तकलीफ तो जरूर दे सकते हैं। वी विल कैरी अ न्यूसेंस वैल्यू इन दिस इलेक्शन एंड वी प्रपोज टू यूज इट। दूसरा, वी होप टू विन, और इस टाइम नहीं तो अगले टाइम, और उसके बाद उसके अगले टाइम, किसी भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के हम चलाना पसंद नहीं करेंगे। उनके कंधे कमजोर है, और जब हम गोली चलाने के लिए ट्रिगर प्रेस करते हैं वो कंधा निकाल लेते हैं। ये असलियत हमने देखी है और इसको हम बदलना चाहते हैं। वी विल नाउ बी विजिटिंग एवरी डिफरेंट पार्ट ऑफ दी स्टेटहुड मूवमेंट एरियाज अगेन, और इस टाइम हम अगले इलेक्शन के आने वाले के बारे में विचार विनिमय करके हर जगह अलग अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बट नेशनल फेडरेशन विल सपोर्ट सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट्स टू एंटर इनटू द इलेक्टोरल फ्रेम अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच।